नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली व उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना की अपील पर खाद्यान्न वस्तुओं की व सब्जी की 6 मोबाइल वैन जिला कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की गई। कॉलोनियों में भेजी जा रही है। हमारे यहाँ शहर में हम लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापार मंडल के सहयोग से सब्जियों और ग्रोसरीज की वैन्स आज अतिरिक्त चला रहे हैं और 6 वैन्स ये जाएंगी और राशन और सब्जी का वहाँ पे बिक्री करेंगी, जिससे हमारी जनता को कोई समस्या नहीं आए। इससे पूर्व में भी वैन्स चल रही थी और अब अतिरिक्त वैन्स चल रही हैं, तो इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी महोदया शुभ्रा सक्सेना ने बताया कि रायबरेली जनपद का समाज सेवी संगठन अखिल भारतीय उद्योग मंडल रायबरेली लगातार जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सेवाओं के लिए जब भी बुलाया गया, बढ़ चढ़कर उनके द्वारा सहयोग दिया गया। आज लॉकडाउन होने पर जनपद के नागरिकों की सुविधा के लिए खाने पीने की वस्तुओं की 6 मोबाइल वैन अलग अलग मोहल्लों में रवाना की गई, जो कि उपभोक्ताओं को उचित रेट पर उचित सामान उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि जब मोबाइल गाड़ी अमरीशपुरी कॉलोनी पहुंची तो वहां के उपभोक्ताओं ने इस तरह की सेवा की काफी सराहना की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, संरक्षक महेंद्र अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता, सागर गुप्ता, मनीष गुप्ता, राहुल शीतला ने सहयोग प्रदान किया।